10 people have been arrested for indulging in violence in Saharanpur on Ambedkar Jayanti. 30 more have been booked. The violence started after permission for a rally on the occasion was denied. But other than the arrests and the FIR, there is a raging blame game now between the SSP and Member of Parliament of the area, with the MP demanding the removal of the police officer, even alleging that the SSP ran away, leaving Raghav Lakhanpal, his followers and people who were participating in the Shobha Yatra at the mercy of a mob. In fact, before I get you the full story of what happened in the course of the last 3 days, I want to quickly cut across to my colleague Ashutosh, who is in Saharanpur at the moment. It's been a few days that have arrests been made, but how are the people now in Saharanpur feeling? Who do they think really was at fault? And is it fair for some people being denied police permission for the Yatra? Ashutosh. Well, Padmada, I'm here at Ground Zero in Saharanpur, the Sadak Budhli village. Now, here, before, you know, I go across to these people to take their version of what exactly happened on 20th of April, I'll show you the pictures. These are the cops at this late evening. The cops are here deployed. They are here to prevent any further scuffle, any further clash, and to prevent peace in this village, in this entire area. Now, there are a number of people who are here joining me. It's a village panchayat. Now, they are joining by me, and we'll take this stand at what exactly took place, what exactly happened on 20th. Majid Sahab, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन? क्योंकि एक बड़ी बात है कि यात्रा निकाली जा रही थी और एक सांसद को यह भी अधिकार है कि लोगों को उनका अधिकार अगर होता है यात्रा निकालना, ये संवैधानिक अधिकार है और वो उसे पूरा होने देना चाहिए। सर, ये तो बात सही है, लेकिन एक ये भी तो संविधान में ही कि नई परंपरा नहीं होगी, ये भी तो संविधान में ही। जब ये कई साल से ये मामला उठ रहा और नई परंपरा के उससे कोई भी वो नहीं कर सकते, और ये कहाँ का वो के प्रशासन की गेल बात वो होना और जी उनकी बेइज्जती करना, तो ये भी तो बात। क्या आप इस यात्रा के खिलाफ हैं, इस यात्रा के या इस तरह की जो शोभा यात्रा थी उसके खिलाफ हैं आप? नहीं, हम उसके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन जो जब शुरू से ये बात होती आ रही है कि नई परंपरा के हिसाब से कोई वो नहीं होगा, तो फिर हम तो उसके कानून के ही दायरे में रहकर काम करेंगे। स्टोन पेल्टिंग हुई थी उधर से, लेट मी शो यू, दिस इज द स्ट्रेच एंड दैट इज द पॉइंट परहैप्स जस्ट राइट बिहाइंड मी, वेयर द प्रोसेशन दैट हेडेड बाय लखनपाल द बीजेपी एमपी दैट केम आउट एंड वेयर द एंटायर स्कफल टुक प्लेस, द पुलिस वेयर देयर, दे स्टॉप द पीपल, दे स्टॉप द प्रोसेशन एंड दिस साइड द अदर कम्युनिटी दे वर हियर एंड देयर वाज द क्लैश एंड स्टोन पेल्टिंग। जॉइनिंग मी फ्यू अदर विलेजेस हियर इन दिस पंचायत, हुआ क्या था उस समय, किसने शुरुआत की थी पत्थरबाजी की? सहारनपुर के कुछ अज्ञात आदमी थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरुआत की, फिर थोड़ा इधर से बच्चों ने भी पत्थरबाजी की। तो ये अंबेडकर जयंती या रविदास जयंती के नाम पर जो यात्रा होती है, ये अधिकार है लोगों का निकालना, क्यों आखिर आपको इससे आपत्ति है? अधिकार तो जरूर है, हम अंबेडकर से बिल्कुल सहमत हैं, उनके कानून से, संविधान से। अगर कोई सरकार परमिशन देती है और हम कोई बात करते हैं तो जब हमारी गलती है, नहीं तो हम कोई नई परंपरा लागू होने नहीं दे रहे। पुलिस का और जो प्रशासन का जो रोल था उसको आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं, किसकी ओर से गलती आप देख रहे हैं? सर, ये बाहरी आदमियों की गलती है, प्रशासन ने बहुत जोर लगाया कि पीछे हट जाओ, तुम अनुमति नहीं है, तो वो जबरदस्ती उन्होंने लाठी चार्ज पुलिस पर भी की, जबरदस्ती गांव में घुसे हैं। लोकल एसएसपी यू नो लव कुमार, ही वाज आल्सो अ सेंटर स्टेज ऑफ दिस एंटायर डिबेट एंड एंटायर कंट्रोवर्सी, जो लोकल एसपी हैं उनके रोल पर आपको कुछ सवाल उठता है कि उन्होंने कहीं, उनकी भी कहीं गलती रही है इसमें? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं रही है, वो तो चिड़ावट की वजह से जब एसएसपी मंदमाल निकलने नहीं दी तो आवाज पर जाकर उनके हल्ला बोल दिया ताकि उनका ध्यान उधर बटे। किसकी गलती है आपके हिसाब से यहाँ? जो देखो जी, भाजपा की है, जो एमपी साहब हैं राघव लखनपाल, उनके भाई थे, ब्रजेश थे, देवबंद से विधायक हेमंत अरोड़ा वगैरह, ये सभी से। मतलब क्या बोला था उन्होंने जब यहाँ प्रोसेशन लेके आया तो क्या हो रहा? जय श्री राम के नारे लगाए और ये संघ भी बजाया है और ये भी कहा भाई कश्मीर नहीं बनने देंगे। नारे लगाने से तो आपत्ति है कि आपको अगर कोई जय श्री राम के नारे लगा, क्या उससे भी आपको? देखो, ये हर जगह नहीं चलता ना, मंदिर में चल रहा है नमाज और मतलब मस्जिद में चलती है नमाज, मंदिर में चलती है ये जय श्री राम के नारे लगो या कुछ भी करो। किसकी गलती है? आप लोग उसमें देखा था, आपके हिसाब से किसकी गलती थी यहाँ पर? गलती तो राघव लखनपाल की है, लेकिन पत्थर तो आप लोगों की ओर से भी चलाए गए। तरफ से पहले उधर से आए हैं, बाद में हमने शुरू करा, हमारे बच्चों ने। आपने पत्थर चले हैं आपके यहाँ? रोक, बहुत रोका है, इतनी पब्लिक को जब वो नहीं संभाल सके, सांसद हैं, पूरे
जिले के मालिक हैं वो भी एक तरह से, लेकिन जब उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया पब्लिक के ऊपर तो इधर से बच्चे हमारे बस में कैसे निकल रह जाते। सो देयर यू हर्ड द पीपल, दे आर एक्चुअली बैकिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर इन सपोर्ट ऑफ द लोकल एसएसपी लव कुमार, बट ऑल्सो ब्लेमिंग दिस एंटायर दैट हु इज टू बी ब्लेम, दैट इज द बीजेपी एमपी राघव लखनपाल। पद्मजा, all right, it's interesting, we'll wait to hear a reaction from the MP as well. In fact, he did speak to us earlier and he was categorical. He was just standing for the right of the people to take out the Shobha Yatra on the occasion of Ambedkar Jayanti, and it was in fact the SSP who did not do his duty and contain the violence. Here's what happened over the last 3 days. Stones pelted, vehicles damaged, property torched. Violent clashes on the streets of Saharanpur that started on the 20th of April. It all began on the 14th. The police denied permission to take out a Shobha Yatra on Ambedkar Jayanti on the grounds of possible law and order problems. Defying the police, the local member of parliament and other senior BJP leaders led the yatra anyway, triggering stone pelting from the other community. हम पर पथराव किया, मुझे भी पत्थर लगा है, मेरे भाई को भी और कार्यकर्ताओं को भी पत्थर लगा है, तो यात्रा निकलेगी चाहे 24 घंटे लगे चाहे 48 घंटे लगे। हमें The enraged group then marched to the SSP's camp office. The officer alleges that in the presence of BJP leaders, the mob engaged in violence. The result? Saharanpur MP Raghav Lakhanpal has now been named in two FIRs, not just for allegedly inciting the mob, but also for vandalizing the SSP's residence. This is the main office of the SSP, how the mob entered. Damaged the chairs inside, damaged the property inside of this police station, not only the property of police station but also the personal property of the senior superintendent of police. The mob gathered here, they shouted slogan, they protested. Now the FIR has been filed. Here's the exclusive copy of that FIR. That FIR has been filed. 10 people have been arrested. There are more than 4 FIRs. Police is probing the matter. We reached the SSP's camp office. His residence is behind the camp office. So, of course, now the local administration has made an issue of how his wife and children got scared. No one even ventured near the house. They were shocked. क्योंकि एसएसपी रेजिडेंस जो है वो एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, और उसमें अचानक अगर कुछ लोग सैकड़ों की संख्या में घुस आए और नारेबाजी करने लगे तो उनके लिए ये बड़ा ही शॉकिंग था। A thick security blanket has now been wrapped around the Sadak Dudli area in the city that remains calm but tense. Saharanpur's senior cop and the area's MP are currently engaged in a war of words. Has the new Yogi government's instruction to party members to not take the law in their hands fallen on deaf ears? With Ashutosh Mishra in Saharanpur, Bureau Report, India Today. Well, the MP is quite adamant that the Shobha Yatra will be taken out after the Kaptan is removed from his post. He says he did nothing wrong. We'll be keeping an eye on Saharanpur.